हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 55 करने जा रहे हैं। और इस प्लेलिस्ट के बारे में आपको पता होगा, डीपी कंसेप्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोर से पढ़ना है तो उसमें सून और भी वीडियोज आने वाले हैं, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है 920। हार्ड मार्क्ड तो है, बट लिटरली मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। और आपको करना सिर्फ वही है जो प्रॉब्लम में बोला गया है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक दो चीज़ का ध्यान देना होगा जो कि हम एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वो इजी डेफिनेटली हो जाएगा और कोड आप खुद से लिख पाओगे। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ म्यूजिक प्लेलिस्ट्स, ठीक है। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा, बट आई डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है स्पॉटिफाई या तो फिर गाना.com इन तरह के कंपनी ने पूछा होगा, बट मुझे कन्फर्म नहीं है। मुझे बस इतना पता कि मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आपके पास एन यूनिक सॉन्ग्स है, एन डिफरेंट सॉन्ग्स है, मान के चलते हैं ए बी सी डी एन सो ऑन, ये आपके सॉन्ग्स है, यूनिक है सारे, एन डिफरेंट सॉन्ग्स है। यू वांट टू लिसन टू गोल सॉन्ग्स, आपको गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स सुनने हैं ड्यूरिंग योर जर्नी, आपकी जो ट्रिप होने वाली है, आपने प्लान किया है कि आपको गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स सुनने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लिख रखा है नॉट नेसेसरली डिफरेंट, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें सारे सॉन्ग्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। टू अवॉइड बोर्डम यू विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट सो दैट, अब देखो अब प्लेलिस्ट आप कुछ ऐसा बनाओगे, एवरी सॉन्ग इज प्लेड एट लीस्ट वंस, देखो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसमें पूरा ध्यान दो। हर सॉन्ग को एक बार तो कम से कम आपको प्ले करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास एन है, 5 सॉन्ग है, ठीक है, तो आपको एक बार तो प्लेलिस्ट हर सॉन्ग को प्ले करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, पांचों के पांचों सॉन्ग को एक बार, ठीक है। अ सॉन्ग कैन ओनली बी प्लेड अगेन, अब देखो अब मान लेते हैं कि ऐसे सोच के चलो कि मान लेते हैं आपके पास सिर्फ 3 सॉन्ग थे, बट आपने प्लान किया है कि आप 5 सॉन्ग सुनोगे ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो भाई आपके पास 3 यूनिक सॉन्ग है और आपको 5 सॉन्ग सुनना है पूरे ट्रिप में, तो ऑब्वियस है किसी सॉन्ग को तो आपको रिपीट करना पड़ेगा ना। मान लेते पहला सॉन्ग आपने ए सुना, दूसरा सॉन्ग बी सुना, तीसरा सॉन्ग सी सुना, अब तो सारे यूनिक सॉन्ग खत्म हो गए क्योंकि 3 ही आपके पास यूनिक सॉन्ग थे। अब आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आपने तो प्लान किया कि आपको 5 सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है। तो रिपीट किसको कर सकते हो, वो यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कि ये वाला पॉइंट है। अब कोई सॉन्ग तभी रिपीट हो सकता है ना, जैसे मान लेते हैं अगर आपने ए को रिपीट करने का सोचा सी के बाद, तो आप तभी रिपीट कर सकते हो जब ए, जब इस ए और नेक्स्ट जो ए प्ले हुआ है, लास्ट टाइम जो आपने ए प्ले किया था और अभी जो प्ले करने जा रहे हो, इन दोनों के बीच में आपने के नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्ले कर दिए हो, के नंबर ऑफ सॉन्ग्स। अ सॉन्ग कैन ओनली बी प्लेड अगेन ओनली इफ के अदर सॉन्ग्स हैव बीन प्लेड, ठीक है। तो के की वैल्यू अगर 2 होती तो देखो मैं यहाँ ए को प्ले कर सकता हूँ दोबारा, क्योंकि देखो इस ए और इस ए के बीच में 2 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। अब मान लो, ऐसे मान के चल लो कि अगर k की वैल्यू 3 होती तो a b c d, ठीक है, सॉरी a b c, इसके बाद क्या मैं यहाँ a प्ले कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो इस a लास्ट टाइम जो a प्ले किया था और अभी जो आप प्ले करना चाह रहा हो उसके बीच में हमने 2 ही सॉन्ग्स प्ले किए हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला k इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमें कम से कम 3 सॉन्ग प्ले करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है, आपको बोलता है कि गिवन एन गोल एंड के, रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेलिस्ट दैट यू कैन क्रिएट, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेलिस्ट बताना, कितने ऐसे प्लेलिस्ट आप बना सकते हो जो कि इन दो क्राइटेरिया को फॉलो करे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा ना, मैं एग्जैक्टली वही करूँगा और आपको एकदम समझ में आ जाएगा, इट्स प्रीटी श्योर। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। अब देखो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं और स्टोरी समझते हैं कि कैसे इसको हम अप्रोच में लेंगे, ठीक है। हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा, कोड आप खुद से लिख लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो कि यार एट एनी पॉइंट आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप क्या करोगे, एक यूनिक सॉन्ग ऐड करोगे अपने प्लेलिस्ट में, प्ले यूनिक सॉन्ग, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, रीप्ले अ सॉन्ग, ठीक है, रीप्ले अ सॉन्ग। यहाँ तक क्लियर, यही 2 ऑप्शन है, इस दो ऑप्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम यू हैव 2 ऑप्शंस, प्ले अ यूनिक सॉन्ग और प्ले अ रीप्ले अ सॉन्ग, ठीक है।
ठीक है, मतलब जितने प्लेलिस्ट मुझे इस स्ट्रैटेजी से मिल पाएंगे और जितने प्लेलिस्ट मुझे इस स्ट्रैटेजी से मिल पाएंगे दोनों का सम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ प्लेलिस्ट निकल जाएगा, है ना। मुझे यही तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ प्लेलिस्ट। तो पहले मैं ना ऑप्शन वन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपका ऑप्शन वन, ऑप्शन वन क्या था? प्ले अ यूनिक सॉन्ग, ठीक है। अब इसको समझ लो अच्छे से। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ऑब्वियस सी बात है आपको एक चीज़ का तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि करेंटली, है ना, आपने कितने सॉन्ग ऐड कर लिए अपने प्लेलिस्ट में, काउंट सॉन्ग, क्योंकि आपको कितने एक प्लेलिस्ट में आपको कितने सॉन्ग रखने हैं, गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स, है ना। आपने यही तो प्लान किया है कि प्लेलिस्ट आप जो भी बनाओगे, कैसा भी प्लेलिस्ट बनाओगे, उसमें आपको इतने ही सॉन्ग सुनने हैं पूरे ट्रिप में, तो गोल नंबर ऑफ सॉन्ग। इसीलिए मैंने एक ये वेरिएबल ले लिया ट्रैक रखने के लिए कि अब तक मैंने कितने सॉन्ग्स ऐड कर लिए अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है। और अब ध्यान दो, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी तक आपने कितने यूनिक सॉन्ग प्ले किए हैं, ठीक है। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ, काउंट ऑफ यूनिक, कितने यूनिक सॉन्ग प्ले किए हैं, ऐड कर लिए हैं अपने प्लेलिस्ट में। और ऑब्वियस सी बात है इसका ट्रैक क्यों रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि याद करो क्वेश्चन में बोला है ना कि आपका जो भी प्लेलिस्ट बनेगा आपको सारे यूनिक सॉन्ग को कम से कम एक बार तो प्ले करना पड़ेगा, है ना। तो ए बी सी, उसके बाद रिपीट कर लो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड सो ऑन, तो सारे यूनिक सॉन्ग को एक बार तो प्ले करना पड़ेगा। और अब याद करो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपके पास टोटल एन यूनिक सॉन्ग्स है, टोटल एन यूनिक सॉन्ग्स है, तो काउंट ऑफ यूनिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंट ऑफ, जब आपका एक प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाता है ना, काउंट ऑफ यूनिक मस्ट बी इक्वल टू एन, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि आपको सारे यूनिक सॉन्ग को कम से कम एक बार तो प्ले करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास टोटल 3 यूनिक सॉन्ग्स थे और आपको प्लेलिस्ट बनानी थी 5 सॉन्ग की, तो ए बी सी 3 यूनिक सॉन्ग थे, फिर आपने ए कर दिया, तो देखो आपका गोल भी रीच हो गया क्योंकि आपने 5 था आपका गोल, ठीक है। और आपने हर यूनिक सॉन्ग को एक बार प्ले किया है, देखो ए बी सी एक एक बार तो प्ले ही हुआ है, ठीक है। और के मान लेते हैं 2 था, तो जो भी सॉन्ग रिपीट होगा वो 2 सॉन्ग के बाद रिपीट होगा। जैसे मान लेते हैं ए को मैंने रिपीट किया था यहाँ पर, तो देखो 2 सॉन्ग के बाद रिपीट होगा, तो हमने सारे फैक्टर फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो हमें इस 2 वेरिएबल का ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम ये 2 वेरिएबल ले लेंगे, बट आपको बताना भी चाहिए ना कि भाई क्यों ये 2 वेरिएबल लिया है, क्यों हम इन दोनों का ट्रैक रखना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, चलो बढ़िया है। अब देखते हैं ये 2 वेरिएबल के साथ हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। और आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में तो आपने कोई सॉन्ग प्ले नहीं किया है और कुछ क्रिएट भी नहीं किया है। जब कोई सॉन्ग प्ले नहीं किया है तो ऑब्वियस ये बात है स्टार्टिंग में क्या है, आपका काउंट सॉन्ग भी 0 है और काउंट यूनिक भी 0 होगा। स्टार्टिंग में तो आप यही से स्टार्ट करोगे ना, सब कुछ 0 है आपके पास। तो मैंने एक रिकर्शन कॉल मारा है जहाँ पर काउंट सॉन्ग 0 है और काउंट यूनिक भी 0 है, चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर दिख रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा जो रिकर्सिव कॉल है वो कुछ ऐसा है, 2 चीज़ें का मुझे ट्रैक रखना पड़ रहा है, मुझे इतना ही दिख रहा है अभी तक तो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जब ये ऑप्शन वन है, याद करो ऑप्शन वन में क्या होता था कि मैंने एक यूनिक सॉन्ग प्ले किया है, ठीक है, मैंने एक यूनिक सॉन्ग प्ले किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट का वेरिएबल मान लेते हैं 0 रखते हैं, अभी 0 रखते हैं, ठीक है। तो अब एक सॉन्ग अगर मैंने प्ले किया है और वो यूनिक है, तो एक सॉन्ग प्ले किया है उसका काउंट तो मुझे रखना ही पड़ेगा, तो काउंट ऑफ सॉन्ग प्लस 1 कि भाई एक सॉन्ग तो प्ले कर दिया है, बाद में मैं देख लूँगा कि काउंट सॉन्ग गोल के बराबर हो जाए तो मैं रुक जाऊँगा वहीं पर, क्योंकि मुझे टोटल गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही प्ले करने हैं, ठीक है। और सिंस मैंने ऑप्शन वन में, ये ऑप्शन वन चल रहा है ना, यूनिक सॉन्ग प्ले किया है, तो यूनिक सॉन्ग का भी काउंट मैं बढ़ा दूंगा, काउंट ऑफ यूनिक प्लस 1, दोनों प्लस 1 किया है, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि एक सॉन्ग प्ले किया तो प्लस 1 तो हो गई, एक यूनिक सॉन्ग प्ले किया लेकिन इस बार हमने, तो प्लस 1 यहाँ भी हो गया, ठीक है। और रिकर्शन में इसको फर्दर कॉल कर दिया ताकि ये मुझे ये ला कर दे दे कि इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो कितने नंबर ऑफ प्लेलिस्ट क्रिएट कर पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस रिजल्ट ना इज इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टोर करा है, जितना भी आएगा रिजल्ट में ऐड कर देंगे उसको, ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट एक चीज़ ध्यान दो,
टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने यूनिक सॉन्ग्स थे, एनी यूनिक सॉन्ग्स थे, टोटल नंबर ऑफ इतने यूनिक सॉन्ग्स थे ना। अभी आपने कितने यूनिक सॉन्ग्स चला दिए हैं, इतने काउंट यूनिक, बचा कितना, रिमेनिंग यूनिक सॉन्ग्स कितने बच गए, एन माइनस, अभी आपने कितने प्ले किया है काउंट यूनिक, एन माइनस काउंट यूनिक, ये चीज़ क्लियर है, एन माइनस काउंट यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई इनमें से कोई भी एक यूनिक सॉन्ग को चुन के प्ले कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व को कॉल कर सकते थे। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं यूनिक सॉन्ग्स चुनने के, एन माइनस काउंट यूनिक की जो भी वैल्यू होगी आप उतने यूनिक सॉन्ग्स चूज़ कर सकते थे और उसके बाद सॉल्व कर सकते थे कि वो मेरा ले आएगा जितना नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इतने ऑप्शंस है तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एन यूनिक सॉन्ग्स थे पाँच, मान लेते आपके पास पाँच यूनिक सॉन्ग्स थे और अभी तक आपने दो यूनिक सॉन्ग प्ले कर दिया है, ठीक है, आपके पास बचे तीन, और वो कौन कौन है तीन, मान लेते हैं एक्स है, वाई है, जेड है। आपने इस बार एक्स को चुना और कॉल कर दिया सॉल्व को, जो आंसर आया वो आपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, फिर आप इसने आपने क्या किया बोला कि नहीं वाई को भी चुन सकते हैं, फिर सॉल्व को कॉल कर दिया, फिर जेड को भी चुन सकते हैं, तो तीन बार सॉल्व को कॉल कर रहे हो, तो तीन बार मल्टीप्लाई कर दो इससे अच्छा, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या करनी है कि जो सॉल्व हम कॉल कर रहे हैं वो देखो एन माइनस, टोटल यूनिक सॉन्ग्स एन थे और अभी तक हमने कितने प्ले कर दिए हैं, काउंट यूनिक सॉन्ग्स प्ले कर दिए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ऑप्शन है यूनिक सॉन्ग्स चुनने के, याद करो ये ऑप्शन वन चल रहा है, प्ले अ यूनिक सॉन्ग, तो इतने यूनिक सॉन्ग्स थे बचे हुए, उनमें से किसी भी एक को, हर एक को चुन चुन के सबको बारी देनी है, तो इतने पॉसिबल ऑप्शन है यूनिक सॉन्ग चुनने के, इसीलिए इतना से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसको रिजल्ट में ऐड करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ पार्ट इस क्वेश्चन का एक्चुअली में यही था, ये वाला, ठीक है, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, सबसे टफ पार्ट यही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मेरा ऑप्शन वन कंप्लीट भी हो गया, इतना सिंपल था, सोचो ऑप्शन वन मेरा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, याद करो ये मेरा सॉल्व फंक्शन था ना, ठीक है, इन सबको हटा दे रहा हूँ, यही एक लाइन लिखना था हमें ऑप्शन वन के लिए, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेस केस तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, वो मैं बाद में समझाऊंगा लास्ट में आपको, ठीक है, बट ऑप्शन वन मेरा क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं आता हूँ ऑप्शन टू पर, ठीक है, ऑप्शन टू पर, ऑप्शन टू में क्या था, रीप्ले अ सॉन्ग, ठीक है, किसी सॉन्ग को रीप्ले करना है। देखो जब आपको रिप्ले करना होगा सॉन्ग को, तो याद करो आपका करंट काउंट सॉन्ग क्या था, काउंट सॉन्ग था ना, करंट आपने इतना सॉन्ग सुना है, आपने एक सॉन्ग अभी प्ले तो करना ही करना है, तो ये तो प्लस वन होगा ही होगा, क्योंकि आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हो, राइट, और आप ऑलरेडी एक प्लेड सॉन्ग को दोबारा रिप्ले कर रहे हो, यानी कि रिप्ले कर रहे हो, तो यूनिक सॉन्ग नहीं बजा रहे हो आप, तो काउंट यूनिक तो वही रहेगा, क्योंकि आप रिप्ले कर रहे हो ना, कोई यूनिक सॉन्ग नहीं बजा रहे हो, तो काउंट यूनिक प्लस वन नहीं होगा, याद करो ऑप्शन वन में काउंट यूनिक प्लस वन होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने यूनिक सॉन्ग प्ले किया था, यहाँ पर यूनिक सॉन्ग प्ले नहीं कर रहे, रीप्ले कर रहे हैं किसी सॉन्ग को, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी से जो भी होगा, मैं फंक्शन में कॉल कर दिया सॉल्व से, ये ले आएगा मेरे लिए कि इस स्ट्रैटेजी से जितना भी प्लेलिस्ट बन सकता है लेकर आ जाना मेरे लिए, और मैं इसको भी रिजल्ट में ऐड कर लूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ऐड कर लूँगा। बट यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है क्या, याद करो यहाँ पर भी ऐसा कुछ था और इधर भी मिसिंग है, ठीक है, वो देखते हैं, वो भी हम इसको कवर करेंगे। हमने यहाँ एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी कि भाई जो हम किसी सॉन्ग को रिप्ले कर रहे हैं, तो हमने के वाला ध्यान ही नहीं दिया, या तो क्या बोला था कि कोई सॉन्ग को आप तभी रिपीट कर सकते हो, जैसे मान लेते ए बी सी है, ए को तभी रिपीट कर सकते हो जब इस लास्ट बार जो ए को प्ले किया था और अभी जो ए को प्ले कर रहे हो दोनों के बीच में के सॉन्ग्स की दूरी होनी चाहिए, कम से कम के सॉन्ग्स प्ले हुए होने चाहिए बीच में, ठीक है, तो इसका तो हमने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक, ठीक है, तो वो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। तो देखो एग्जांपल एक देखो कि मेरे पास टोटल थ्री यूनिक सॉन्ग है और मुझे टोटल गोल कितने हैं मेरे, मुझे टोटल 10 सॉन्ग सुनने हैं एक प्लेलिस्ट में, मुझे 10 सॉन्ग ऐड करने हैं, के की वैल्यू मैंने 2 रखी है, ठीक है। तो मैं ना एक प्लेलिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको, मान लेते मेरे पास तीन यूनिक सॉन्ग्स थे,
ए बी और सी। तो मैंने ए प्ले किया, ठीक है, बी प्ले किया अभी भी ठीक है, सी प्ले किया अभी भी ठीक है, बट मुझे टोटल 10 सॉन्ग अपने प्लेलिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो अभी तक तो 3 ही सॉन्ग ऐड किया है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है रिपीट करना पड़ेगा अब सॉन्ग को। तो देखो यानी कि अब यहाँ पर ना मुझे रिपीटेड सॉन्ग डालना पड़ेगा, किसी रिपीटेड सॉन्ग को इधर। तो अब खुद बताओ किसको रिपीट कर सकते हो, सी को रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अभी सी को डालोगे तो इस सी के और इस सी के बीच में 2 सॉन्ग्स होने चाहिए, 2, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 2 है, तो ये तो नहीं कर सकते। सी तो गया, यानी कि सी हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। क्या बी को प्ले कर सकते हैं? नहीं, बी भी नहीं प्ले कर सकते क्योंकि इसके बीच में देखो सिर्फ 1 सॉन्ग है, हमें 2 सॉन्ग चाहिए थे, तो बी का भी पत्ता कट गया, सी का भी पत्ता कट गया। ए को प्ले कर सकते हैं? यस, देखो इस ए के और इस ए के बीच में 2 सॉन्ग्स हैं, के सॉन्ग्स हैं, तो ए को चुन सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पर यानी कि इस पोजीशन पर कौन सा सॉन्ग प्ले किया जाए, कितने ऑप्शंस थे? बेचारा सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन कौन था? ए था, सिर्फ बेचारा एक ही ऑप्शन था, वो ए था, तो ए को मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे प्लेलिस्ट को बढ़ाते हैं। इसके बाद भी मुझे किसी सॉन्ग को रिप्ले ही करना पड़ेगा, और मेरे पास यूनिक सॉन्ग है ही नहीं, तो किसको रिप्ले कर सकते हैं? ए को कर सकते हैं क्या? नहीं, लास्ट टाइम ए को अभी प्ले किया है, और अभी प्ले करोगे बीच में तो गैप ही नहीं है, तो ए को नहीं कर सकते, ए का पत्ता यहाँ पर कट गया। सी को कर सकते हैं? नहीं, दोनों के बीच में 2 सॉन्ग होने चाहिए, तो सी भी नहीं कर सकते, ये गया ये भी गया। बी को कर सकते हैं? यस, बी को कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस बी के और इस बी के बीच में 2 सॉन्ग्स हैं, के सॉन्ग्स हैं, यानी कि बी को प्ले कर सकते हैं। तो देखो इस यानी कि इस पोजीशन के लिए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कितना ऑप्शन था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 ही ऑप्शन था, और वो बेचारा कौन था? सिर्फ बी था, ठीक है। तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान दो, कितना ऑप्शन आ रहा है हर बार रिपीटेशन के लिए, हर बार एक ही ऑप्शन आ रहा है। लास्ट टाइम सिर्फ ए था, और इस पोजीशन के लिए सिर्फ बी था, हर बार एक ही ऑप्शन आ रहा है। मान लेते हैं बी को प्ले कर दिया, इसके बाद देखो ना यहाँ बी प्ले कर सकते हैं, ना सी प्ले कर सकते हैं, सॉरी ना बी ना ए, क्योंकि बी तो अभी जस्ट प्ले किया है, ए प्ले करोगे तो बीच में 2 सॉन्ग होने चाहिए, तो ये दोनों नहीं आ सकते, सिर्फ अभी भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी। तो देख रहे हो हर बार प्ले करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1 ऑप्शन ओनली, एक ही वैलिड ऑप्शन है, क्योंकि के की दूरी है ना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आपका पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एन 3 है, गोल्ड 10 है, के का वैल्यू इस बार 1 रखा है मैंने, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ए को प्ले किया, बहुत अच्छा, बी को प्ले किया, सी को प्ले किया, इसके बाद वो किसको किसको प्ले कर सकते हैं, रिप्ले करना पड़ेगा अब तो, क्योंकि टोटल 10 सॉन्ग हमें बनाने हैं, ठीक है। अब देखो किसको प्ले कर सकते हो, क्या यहाँ पर सी को प्ले कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सी के इस सी और सी के बीच में 1 सॉन्ग होना चाहिए, के की वैल्यू 1 है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? सी तो नहीं आ सकता, बी आ सकता है क्या? यस, क्योंकि देखो 1 सॉन्ग है बीच में। ए भी आ सकता है, क्योंकि देखो 2 सॉन्ग है बीच में, जबकि हमें बोला गया कि कम से कम 1 सॉन्ग तो होना चाहिए बीच में, तो यहाँ तो 2 सॉन्ग है, तो ए तो डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने वैलिड ऑप्शन है? 2 वैलिड ऑप्शन है, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, 2 वैलिड ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ 1 वैलिड ऑप्शन था, ठीक है, सिर्फ 2 वैलिड ऑप्शन है। तो एक बार आप ए लेके बना दो, फिर एक बार एक और प्लेलिस्ट बनाओगे, बी लेके बना देना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2-2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। अब देख रहे हो, अब एक चीज़ ध्यान दो, रिलेट करो इसको, रिलेट करो कि जब किसी सॉन्ग को आपको रिप्ले करना है तो आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, वो रिलेट करो। देखो कैसे, यहाँ पर देखो हम ए को ही रिपीट कर पाए थे, पता है ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास टोटल 3 यूनिक सॉन्ग्स थे, ठीक है, ए को यहाँ प्ले किया था, और इस ए और इस ए के बीच में दूरी टोटल के होनी थी, तो के तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, बचा सिर्फ एक, ये एकमात्र 1 एक सॉन्ग ए, उसी को रिपीट किया मैंने। तो देख लो 3 था यूनिक, उसमें 2 बीच में प्ले हो गया, -2 बच गया, एक वो है ये ए। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 क्या था कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिक सॉन्ग्स मैंने प्ले कर दिए हैं, मैंने कितने नंबर ऑफ़ यूनिक सॉन्ग्स प्ले किए हैं, 1, 2, 3, ये 3 था। और ये मैं याद करो, ये कितने नंबर ऑफ़ यूनिक सॉन्ग्स मैंने प्ले किए हैं, वो मैं इस वेरिएबल में ट्रैक रख रहा था, काउंट यूनिक, माइनस किया 2, मतलब क्या है, जो मेरा के का वैल्यू है, देख रहे हो 2 का गैप है ना, तो यहाँ पर काउंट यूनिक माइनस के इज इक्वल टू 1 आ गया। सेम चीज़ को यहाँ पर भी फॉलो हो जाएगा, काउंट यूनिक
कितने यूनिक सॉन्ग प्ले कर दिए, एक दो तीन तीन माइनस के, के की वैल्यू क्या है, वन है, वन माइनस वन दैट इज टू हो गया, याद करो ये टू सॉन्ग्स थे, ए को यहाँ पर प्ले कर लिया और यहाँ पर बी भी प्ले कर सकते थे, ये देखो बी प्ले कर दिया, तो दो ऑप्शन थे ना, और दो ऑप्शन कैसे निकले, थ्री माइनस वन करके, यानी कि काउंट ऑफ यूनिक माइनस के, ठीक है दैट इज टू, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन टू का जो यहाँ पर एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, सॉल्व काउंट सॉन्ग प्लस वन, काउंट यूनिक चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिप्ले किया है, कोई यूनिक सॉन्ग नहीं प्ले किया है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पॉसिबल यूनिक सॉन्ग्स, सॉरी जितने पॉसिबल ऑप्शंस थे मेरे पास जिसको रिप्ले कर सकते थे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट। तो यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट ऑफ यूनिक था माइनस के, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा पूरा कोड इसी दो स्टेटमेंट पर रिवॉल्व करता था, ऑप्शन वन का जो ऊपर मैंने लिखा था, ये ऑप्शन वन का है और ये ऑप्शन टू का है, सिंपल। अब बस हमारा क्या बच गया, बेस केस, यही बेस केस बच गया था ना, तो अब बेस केस देख लेते हैं। यहाँ पर अलग से मैं बेस केस बताता हूँ, ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं। सबसे पहले बात करो कि जब सॉल्व फंक्शन था तो दो ही वेरिएबल थे ना इसमें, काउंट सॉन्ग, कितना सॉन्ग आप सुन लिया आपने, ऐड कर लिया अपने प्लेलिस्ट में, और काउंट कितने यूनिक सॉन्ग आपने सुन लिए हैं, ठीक है। तो बेस केस देखो क्या होगा, बहुत लॉजिकल है बेस केस, आपको याद है आपको टोटल कितने सॉन्ग सुनने थे एक प्लेलिस्ट के लिए, गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स। तो अगर काउंट सॉन्ग इज इक्वल टू गोल के बराबर हो गया, मतलब आपका एक प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया, क्यों, क्योंकि आपको गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऐड करने थे अपने प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट ऐड हो गया, एक प्लेलिस्ट तो बन गया, ठीक है। बट एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वो प्लेलिस्ट तभी वैलिड होगा जब सारे के सारे यूनिक सॉन्ग्स कम से कम एक बार प्ले हुए होने चाहिए। तो कितने यूनिक सॉन्ग्स आपने प्ले किए होने चाहिए, कम से एन एन प्ले एन सॉन्ग्स होने चाहिए, ठीक है। इफ़ काउंट ऑफ यूनिक सॉन्ग्स जो आपने प्ले किए, जो आपने ऐड किया अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है, अगर वो एन के बराबर हुआ तभी वो प्लेलिस्ट मेरा वैलिड है, तो एक प्लेलिस्ट मेरा अब तैयार हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ज़ीरो कर दूँगा। टोटल यूनिक सॉन्ग्स हमारे पास कितने थे, एन थे, और आपने कितने यूनिक सॉन्ग प्ले कर लिए, एन प्ले कर लिए, जो कि करना भी था आपको, कम से कम है ना सारे यूनिक सॉन्ग्स को एक बार प्ले करना था आपको। तो ये पर काउंट यूनिक मैं मेंटेन करके रख रहा था, इसीलिए मेंटेन करके रख रहा था ताकि मैं लास्ट में ये चेक कर सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस केस आपका, ठीक है। मैं एक्चुअली में ये मिस कर गया था, बट बाद में मुझे समझ में आया तो मैंने इसको भी फिर ऐड किया, ठीक है। और हाँ, कोड करने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि अगर हमने इसको मेमोइज़ नहीं किया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। याद करो मैंने बोला था ना, आपके पास हर बार दो ही ऑप्शन आ रहा है, आपको टोटल कितने सॉन्ग्स प्ले करने हैं, गोल सॉन्ग्स, ठीक है, अपने प्लेलिस्ट में कितने सॉन्ग्स रख सकते हो, गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स। हर सॉन्ग को चुनने के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, है ना, तो कितना हो जाएगा, टू का पावर गोल, एक्सपोनेंशियल है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसको जब मेमोइज कर देंगे, तो याद करो मैंने बोला था ना, मेमोइज करने के लिए दो वेरिएबल चेंज हो रहा था, टू डी अरे लेंगे, है ना, ताकि यहाँ पर किसके लिए होगा, ये होगा मेरा काउंट ऑफ सॉन्ग के लिए, और ये किसके लिए होगा, याद करो काउंट ऑफ यूनिक था ना, दो वेरिएबल के लिए रखा था मेमोइज करने के लिए, ठीक है। तो काउंट ऑफ सॉन्ग कितना हो जाएगा, हमें गोल नंबर ऑफ सॉन्ग्स चाहिए थे, ठीक है, और कितने यूनिक सॉन्ग्स हैं, एन नंबर ऑफ यूनिक सॉन्ग्स हैं, तो ओ ऑफ गोल इन टू एन मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। इतनी स्टेट्स हम विजिट करेंगे ना वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये तो हो गया, और एक चीज़ और कि मैं C++ का कोड करूँगा अभी साथ ही साथ लाइव, और जावा का कोड भी आपको दिखा दूँगा, और जावा का कोड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे जो लिंक है ना कोड का, उसमें जावा C++ दोनों का कोड है, और कमेंट में भी मैं जावा का कोड डाल दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अब इसका कोड फिनिश करते हैं, तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। और ये क्वेश्चन उनको तो ज़रूर दिखाना जो बार बार ये बोलते हैं कि रिकर्शन और मेमोइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये देखो कितना अच्छा रिकर्शन और मेमोइजेशन है ना, इतना अच्छा रिकर्शन लिख पाना भी टफ है काफ़ी, ठीक है। तो हमें तीन वेरिएबल दे रखे हैं, मैं ग्लोबली इसको स्टोर कर लेता हूँ ताकि बार बार पास ना करना पड़े, इंट एन, इंट गोल और इंट के, ठीक है। और यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ, एन इज इक्वल टू एन, गोल इज इक्वल टू गोल, और के इज इक्वल टू के, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता, बट क्वेश्चन मतलब कोड क्लीन रखने के लिए मैं ग्लोबल बना देता हूँ ताकि बार बार पास ना करना पड़े। रिटर्न सॉल्व, याद करो स्टार्टिंग में
कितने सॉन्ग्स हमने अभी ऐड किए प्लेलिस्ट में, ज़ीरो, और कितने यूनिक सॉन्ग्स हमने अभी तक प्ले किए, ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर अपना गोल सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं, एंड सॉल्व। यहाँ पर क्या क्या पास करते, याद है, काउंट ऑफ सॉन्ग जितना मैंने ऐड किया प्लेलिस्ट में, और काउंट ऑफ यूनिक सॉन्ग्स। ठीक है, आपको बेस केस भी याद होगा कि अगर आपका काउंट ऑफ सॉन्ग बराबर हो जाता है गोल के, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि काउंट ऑफ यूनिक सॉन्ग्स भी मेरे एन के बराबर होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हम वन रिटर्न करेंगे कि एक प्लेलिस्ट बन चुका है, अगर ऐसा नहीं है तो ज़ीरो रिटर्न कर देंगे कि और प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट वैलिड नहीं है, इसलिए ज़ीरो रिटर्न कर दिया। ठीक है, काउंट ऑफ यूनिक का स्पेलिंग यहाँ करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेता हूँ। अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि बड़े वैल्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या था, ऑप्शन वन कि प्ले यूनिक सॉन्ग। ठीक है, अब प्ले यूनिक सॉन्ग मैंने क्या बोला था, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एन माइनस, अभी तक मैंने कितने यूनिक सॉन्ग प्ले कर दिए हैं वो माइनस कर दिया, इतने सॉन्ग बचे हैं प्ले करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉल्व, काउंट सॉन्ग प्लस वन हो जाएगा क्योंकि प्ले कर दिया है एक सॉन्ग को, यूनिक सॉन्ग प्ले किया है तो ये भी प्लस वन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शन टू में, रिप्ले अ सॉन्ग। ठीक है, रिप्ले अ सॉन्ग में भी वही करना, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते थे, काउंट यूनिक माइनस किए, ये मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉल्व कॉल करते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक सॉन्ग प्ले किया है तो ये तो प्लस वन होगा ही होगा। ठीक है, और इस बार हमने कोई भी यूनिक सॉन्ग प्ले नहीं किया, रिप्ले किया हमने, ऑप्शन टू है हमारा ये, तो काउंट यूनिक प्लस वन नहीं किया हमने। ठीक है, लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करना है रिजल्ट को। यहाँ तक क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन में बोल रखा है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है तो 10^9+7 से मॉड्यूलो ले लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट ऑफ इंट मॉड्यूलो इज इक्वल टू 10^9 यानी कि 1e9+7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना रिजल्ट इज इक्वल टू सॉरी ये तो ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले मॉड रिटर्न कर देता हूँ, तो यहाँ पर मॉड हमने करके भेज दिया रिजल्ट को। अब एक चीज़ यहाँ पर लास्ट चीज़ देख लो कि n माइनस काउंट यूनिक नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। आप यूनिक सॉन्ग कब चुन सकते हो, जब आपके पास और यूनिक सॉन्ग बचे हुए हो तभी तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा काउंट ऑफ यूनिक जो है ना, इट शुड बी लेस देन n। अगर लेस देन n नहीं होगा तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, और या तो फिर इसको ऐसे समझो कि काउंट यूनिक बची भी तो होना चाहिए थोड़े से। ठीक है, मतलब मान लेते सारे यूनिक सॉन्ग प्ले हो गए तो यहाँ पर तो आपके पास यूनिक सॉन्ग चुनने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, बचे हुए होने चाहिए, यानी कि काउंट यूनिक शुड बी लेस देन एन, तभी ये आप ये कर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ऑब्वियसली अगर नहीं करोगे तो ये नेगेटिव मल्टी ये हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक कर लो, काउंट यूनिक माइनस के कर रहे हो तो भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पर काउंट यूनिक शुड बी लेस देन के होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन के होना चाहिए, ताकि नेगेटिव ना हो जाए रिजल्ट आपका, है ना, वरना नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसको रन करके देखते हैं, आई होप दिस शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस। इसको सबमिट करोगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि हमने अभी तक इसको मेमोइज नहीं किया है। ठीक है, देखो टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया, अभी इसको तुरंत मेमोइज कर देते हैं। लॉन्ग टी ये ले लेते हैं, 101 ले लेते हैं, बढ़ा के ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम कंस्ट्रेंट 100 दे रखा है, तो मैंने बढ़ा के ले लिया, और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर देते हैं मैम से टी माइनस वन साइज ऑफ टी। ठीक है, और हर बार रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले मैं यहाँ पर इसको असाइन कर दूंगा, काउंट सॉन्ग और यहाँ पर काउंट यूनिक। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले हर बार चेक कर लूँगा कि अगर मेरे पास इस स्टेट का सलूशन ऑलरेडी पास्ट में सॉल्व कर रखा है मैंने, माइनस वन के बराबर नहीं है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा डायरेक्ट, या फिर रिटर्न करने से पहले यहाँ साइन कर दूंगा। ठीक है, मेमोइजेशन तो सबको पता होगा, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। अब इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, इस बार एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और अभी मैं आपको जावा का कोड भी दिखा दूंगा, इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जावा का कोड मैं एक बार दिखा देता हूँ और उसको मैं कमेंट में भी डाल दूंगा।
तो देखो ये जावा कोड है, बिल्कुल सेम कोड है। देखो हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लिया, मॉड डिफाइन कर लिया, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया -1 से, ठीक है, और सॉल्व फंक्शन अपना कॉल कर लिया, ठीक है। बेस केस बिल्कुल सेम है, ये मेमोइज कर दिया, यहाँ पर मेमोइजेशन चेक कर लिया, दो ऑप्शन थे दोनों ऑप्शन किया और लास्ट में रिटर्न कर दिया। कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है जो मैंने C++ से बताया। ये भी डेफिनेटली पास हो जाएगा, इसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कोड, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, कोई डाउट होती है रीज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।